डीएनए में हमारा विश्लेषण उस इंसान की सेहत से जुड़ा है जो ठंड से बचने के लिए घर में अंगीठी या रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है ठंड बढ़ रही है तो आपके घर में भी हो, इसलिए इसे गौर से देखिए और सुनिए। आपको शायद पता होगा कि रविवार को गुरुग्राम में एक क्लब के अंदर दो लोगों की मौत हो गई थी और दो महिलाएं बेहोशी की हालत में मिली थी। इस क्लब में लगे हीटर की वजह से यह सब कुछ हुआ था। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि हो गई है, जिसके मुताबिक ये मौतें रूम हीटर के धुएं में दम घुटने से हुई थी। इसी तरह उत्तर प्रदेश के संभल जिले में भी एक दंपति की जान रूम हीटर ने ले ली थी, जो अपने 4 महीने के बच्चे को ठंड से बचाने के लिए कमरे को बंद करके गैस हीटर जलाकर सो गए थे। अगले दिन सुबह पति पत्नी बेहोश मिले, अस्पताल ले जाने से पहले ही दोनों की मौत हो चुकी थी। ये दो हालिया घटनाएं हैं और ऐसी घटनाएं अक्सर सुनने और पढ़ने में आती रहती है, जो बताती है कि रूम हीटर और अंगीठी एक दो धारी तलवार की तरह होते हैं, जो ठंड से तो आपको राहत देते हैं लेकिन आपको बीमार, बहुत बीमार कर सकते हैं। और अगर इनके इस्तेमाल में जरा सी भी सावधानी हटी तो समझिए दुर्घटना घटी, और दुर्घटना भी छोटी मोटी नहीं बल्कि जानलेवा। ठंड से बचने के लिए अगर आप भी रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं या ऐसे ही कुछ करने का प्लान कर रहे हैं, तो हम आपको पहले ही अलर्ट कर रहे हैं कि रूम हीटर और अंगीठी जैसी चीजें आपको सर्दी में गर्मी का एहसास तो करवा सकती है, लेकिन इनका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, यहां तक कि इससे जान भी जा सकती है। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे, तो सबसे पहले आपके इसी सवाल का जवाब हम आपको देते हैं। रूम हीटर से होने वाली मौतों का कारण है एस्फिक्सिया, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी। असल में जब आप बंद कमरे में इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी कॉइल के जलने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के रिसाव की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और अगर कमरे में वेंटिलेशन यानी कि हवा के आर पार जाने का रास्ता नहीं है तो इंसान की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो जाती है। रूम हीटर हर साल भारत समेत दुनिया भर में लोगों की मौत की वजह बनते हैं। गुरुग्राम और संभल में यही हुआ है। अमेरिका और यूरोप में तो हर वर्ष सैकड़ों लोगों की जान ठंड के मौसम में रूम हीटर की वजह से दम घुटने से हो जाती है। लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरतकर आप रूम हीटर के खतरे से बच सकते हैं, जिनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं ताकि आप रूम हीटर के खतरों को अच्छी तरह से समझ सके। कड़ाके की ठंड और कोहरे से घर के बाहर गर्म कपड़ों का सहारा होता है और घर के अंदर अंगीठी और रूम हीटर का। लेकिन कमरे में जलती अंगीठी और रूम हीटर के अपने फायदे हैं तो नुकसान भी है। पूरा उत्तर भारत इस समय कड़ाके की ठंड को झेल रहा है, जहां रात के समय उत्तर भारत का पारा 10 डिग्री सेल्सियस से कम जा रहा है, वहीं आसमान में कोहरे की चादर भी लपटी हुई है। इसके साथ साथ मौसम वैज्ञानिकों का ये मानना है कि आने वाले कुछ दिनों में उत्तर भारत में तापमान और कम होगा। ऐसे में अगर आप भी अपने शरीर को गर्म रखने के लिए चैन की नींद से सोने के लिए हीटर या फिर अंगीठी का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है। नोएडा में रहने वाले राहुल मिश्रा जितना वक्त घर के अंदर रहते हैं रूम हीटर चलता रहता है। सोते जागते खाते पीते राहुल मिश्रा के घर में रूम हीटर हमेशा ऑन ही रहता है। लेकिन जरूरत से ज्यादा हीटर की हवा में रहने से सेहत पर क्या असर पड़ सकता है, राहुल को पता चल चुका है। कुछ टाइम बाद बंद करना पड़ता है क्योंकि रूम में बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है, स्किन वगैरह पे इरिटेशन वगैरह कुछ होने लगती है और कभी कभी हेडेक भी हो जाता है। तो ये मेक श्योर करना होता है कि एक 15-20 मिनट्स बाद जो है उसको बंद करें, और एक जो है क्योंकि वो जो हीटर है जो वो ऑक्सीजन जो है वहाँ से वो थोड़ा निकाल लेता है और फिर जो है वो उसको कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज करके जो है वो स्मेल वो जो है एक काइंड ऑफ जो उसकी ऑक्सीजन है जो एनक्लोज्ड एरिया है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर का फ्लो हो नहीं रहा है तो वो उसके जो है मॉइस्चर जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है उसकी हीटिंग पर हीटिंग से वैसे। हाँ तो वो सफोकेशन में थोड़ा चेंज हो जाता है। तो हमें मेक श्योर करना होता है कि कोई भी हो हीटर हो अंगीठी हो जो भी हो लेकिन उसको जो है विद इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हमें उसको बंद करना होता है। अंगीठी और रूम हीटर
ठंड को दूर करने में तो कारगर है, लेकिन ये खतरनाक भी हो सकते हैं। बंद कमरे में अंगीठी या हीटर जलाने से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे अस्थमा और एलर्जी की समस्या हो सकती है। बंद कमरे में हीटर जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे लोग बेहोश हो सकते हैं और मौत भी हो सकती है। हीटर से निकलने वाली गर्म हवा से कमरे में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जिससे त्वचा रूखी हो जाती है, जिससे खुजली और रैशेज हो सकते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि हर साल ठंड में उनके पास ऐसे मरीजों की भरमार आ जाती है जो रूम हीटर और अंगीठी की वजह से बीमार पड़ते हैं। जैसे ही सर्दियां आती हैं, हम सभी लोगों को रजाई और हीटर का उपयोग करना चालू कर देते हैं। तो हीटर कई तरह के आते हैं, मेनली जितनी भी हम ये डेथ्स देखते हैं इनको बोलते हैं स्लीप एस्फिक्सिया या स्लीप सफोकेशन। कि स्लीप के दौरान होता क्या है कि जो ये हीटर्स होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिक रॉड्स होती हैं इनमें, जिनमें जो जब ऑक्सीजन इनके ऊपर से निकलती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वो कम्बशन पूरा नहीं हो पाता है। जो जल के उसमें से ऑक्साइड्स या गैसेस निकलती हैं उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस निकलती है, और अगर हमारे कमरे का या जहां हम सो रहे हैं उसका वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है तो वो गैस वहीं एक्यूमुलेट होती रहती है। जैसे जैसे वो गैस वहां एक्यूमुलेट होती है, वो गैस हमारे शरीर के अंदर सांस के द्वारा जाती है और ब्रेन पे अफेक्ट करने लगती है, जिसके द्वारा ब्रेन के फंक्शंस कम हो जाते हैं, दौरा पड़ जाता है लोगों को और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। ठंड के मौसम में इलेक्ट्रिक रूम हीटर का बेहद संभल कर और सिर्फ जरूरत भर का इस्तेमाल करना ही बेहतर होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अस्थमा के मरीज हों, बुजुर्ग हों, साइनस के मरीज हों, त्वचा एलर्जी वाले लोग हों, दिल के मरीज या धूम्रपान करने वाले लोग। सबसे ज्यादा खतरा तो 5 साल से छोटे बच्चों को होता है, जिनके फेफड़े अभी डेवलप ही हो रहे होते हैं, जिन्हें रूम हीटर की हवा प्रभावित कर सकती है। जैसे आम तौर पे आपने 1-2 घंटे चलाया, उसको बंद कर दें, और यदि आपको कोई लगता है किसी को कि सांस की दिक्कत है तो एक बकेट में पानी रख लें कमरे के अंदर, जैसे कि वो वेपराइज होता रहे तो कमरे में आर्द्रता ह्यूमिडिटी बढ़ी रहे, एक वो काम कर सकते हैं। दूसरा, लोग ऑयल हीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको सांस की तकलीफ है, या जो एकदम नवजात शिशु के साथ एकदम इन्फेंट्स के साथ रहते हैं उन केसेस में सबसे अच्छा तो नेचुरल वे में वार्म रखना होता है, गर्म कपड़े पहनाना, रजाई उड़ा देना, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि नेचुरल वे में हम आपको गर्म रखें। यदि बहुत ठंड है और हमें हीटर जलाना भी है तो जैसे मैंने बताया बहुत लगातार समय तक नहीं जलाएं, कमरे में एक पानी की बाल्टी रख दें ताकि एयर ह्यूमिडिफाई होती रहे, और इस पर नज़र रखें। यदि आपको एक क्षण भी ऐसा लगता है कि बच्चे की नाक ज़्यादा ड्राई हो रही है, सांस में दिक्कत हो रही है, तो उसको जरूर बंद कर दें। सर्द रातों में चैन की नींद सोने के लिए अगर आप हीटर या फिर अंगीठी का प्रयोग करते हैं तो अपने रूम में, अपने कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन ज़रूर रखिएगा, यानी हवा आपके कमरे से आर पार जरूर हो जाए जब आप इन इक्विपमेंट्स का प्रयोग करते हैं। ये आपके जीवन के लिए भी जरूरी है और आपके स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर है। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, नोएडा। यहाँ समझने की बात यह है कि रूम हीटर तभी खतरनाक होते हैं जब आप उनका ठीक से इस्तेमाल नहीं करते, यानी अगर हीटर से नुकसान है तो नुकसानों से बचने का तरीका भी है। और हम आपको ये जरूर कहना चाहते हैं कि हमारा मकसद आपको रूम हीटर से डराना नहीं है, बल्कि उनके इस्तेमाल को लेकर सावधान करना है, जो कि आपसे जुड़ा है।